तो नीनो, तुम एक स्टूडेंट हो और एक डीजे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। पनिशमेंट, लेकिन किस लिए? चलो तुम्हारी मेमोरी टेस्ट करते हैं मैरिनेट। मंडे सुबह पीई से एब्सेंट। मैं स्टडी हॉल में थी। फ्राइडे शाम को स्टडी हॉल में एब्सेंट। उस वक्त मैं पीई में थी। जहाँ तुम्हें होना चाहिए वहाँ तुम नहीं होती मैरिनेट। हमारे पास तुम पर नजर रखने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तुम घर पर रहोगी। लेकिन मुझे जाना होगा, नीनो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा इंतजार कर रहा है। तो ऑडियंस ने तुम्हारे लिए जो चैलेंज चुना है वो है कि तुम्हें पेरिस के मेयर आंद्रे बुर्जुआ को नचाना है। थैंक यू हमारे साथ खेलने के लिए सर। क्या लगता है नीनो जीत पाएगा? नहीं, मुझे डांस से नफरत है। जब मैंने पहली बार डांस फ्लोर पर कदम रखा था तब मैडोना किंडरगार्टन में थी। मैं जानता हूँ कि नीनो तुम्हारा फ्रेंड है, लेकिन जब तक तुम्हारे बहाने खत्म नहीं हो जाते तब तक ये ऐसे ही चलेगा। बहुत अच्छे। उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें कैसे पता होगा तुम क्लास मिस करके दुनिया को बचा रही हो? लगता है पनिश होते रहना हर टॉप सीक्रेट सुपरहीरो का काम ही है, है ना? लेकिन ये सही नहीं है। नहीं है, लेकिन हे, अगर नीनो जीता है तो तुम ग्राउंडेड नहीं रहोगी और शो में जाओगी। हाँ, पर एड्रियन वहाँ आज था। द चैलेंज बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा शो जो नेगेटिव इमोशन से भरा हुआ है, बहुत खतरनाक, इससे तबाही मचा सकते हैं। सीरियसली, पर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो आलिया? सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे डैड को समझ सकती हूँ मैरिनेट। तुम कभी वहाँ नहीं होती जहाँ होना चाहिए, देर से आती हो, अचानक गायब हो जाती हो। मुझे तो शक होता है तुम डबल लाइफ जीती हो। ओ, अब बस भी करो, कुछ भी बोल रही हो तुम। आप यहाँ पर वेट कीजिए, नेक्स्ट आप ही हैं। थैंक यू। कोई बात नहीं। चैलेंज जीत लिया है। आपने अपना सर बीट पर हिलाया मेयर बुर्जुआर, उसे भी डांसिंग नहीं गिना जाता है। क्या ये सच नहीं है? मेरी गर्दन में खुजली हो रही थी इसलिए। बीट सुनकर खुजली होना भी डांस में गिना जाता है। नीना, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम्हें एक हफ्ते के बाद अगले चैलेंज के लिए आना पड़ेगा। तो आप स्वागत कीजिए हमारे अगले कंटेस्टेंट का, साइमन ग्रीमोल्ड। क्या बात है डूड। मिस्टर ग्रीमोल्ड, आप एक हिप्नोटिस्ट है। आप कार्ड से लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं और वही करवाते हैं जो आप चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ, लेकिन मैं अपनी कला कुछ भी पाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। तो आपका चैलेंज है साइमन कि आप अपनी कला से किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी को हमारे टीवी शो पे बुलाएं। क्या आप तैयार हैं? स्वागत कीजिए फैशन किंग गैब्रियल अग्रेस्ट का। ये कैसा शो है? मुझे इंटरव्यू के लिए कहा गया था। Dude, तुम्हारे डैड। तो शुरू हो जाइए ग्रीमोल्ड, देखते हैं कि आप अपने पावर से मिस्टर एग्रेस्ट को हिप्नोटाइज करके यहाँ ला पाते हैं। मैंने आपसे कहा था मैं लोगों से कुछ भी नहीं करवाता। शर्मीला हिप्नोटिस्ट, कितना बढ़िया मजाक करते हैं ये। बेहुदा मजाक, तुम्हारा शो बकवास है और उतने ही तुम्हारे कंटेस्टेंट। मुझे कंट्रोल करेंगे कभी नहीं। आखिर वो मेरे डैड है। लगता है मिस्टर अग्रेस ने आपका चैलेंज ठुकरा दिया है। गेम ओवर। लेकिन ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, मुझे कुछ भी दिखाने का वक्त नहीं मिला। आप सभी से मुलाकात होगी।